देखिए, इतना सारा प्रोडक्ट डाल के आप गरम मसाला बना दिए हैं जो कि बहुत ही तगड़ी है। सुगंध अभी भी मेरे पास आ रहा है दोस्तों। देखिए कितना फ्लेवर है इसमें, देख सकते हैं आप जैसा कि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुकान वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोटा गरम मसाला कैसे आप बना सकते हैं अपने घर पे। आप अगर दुकानदार हो तो आप बेचने के लिए अपने हैंडमेड तरीके से, अपने नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हो गोटा गरम मसाला। अगर इस वीडियो का आप गौर से देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे दोस्तों गरम मसाला बनाने में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही मदद होगी आपकी दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू चलिए करते दोस्तों, हैं। हैंडमेड गरम मसाला गोटा बनाते हैं दोस्तों। तो पहले इसमें पड़ता है दोस्तों, यहाँ भी देख लीजिए, ये रहा आपका तेज़पात। आपको तेज़पात, ये तेज़पात, और ये जो है आपका दालचीनी, ये थोड़ा सा पड़ता है। उसके बाद जो ये दोनों एक ही पेड़ से बनता है दोस्तों, तेज़पात के पेड़ से ही ये दालचीनी बनता है वैसे, और उसी पेड़ से कर्पूर बनता है। तो एक ही पेड़ के तीन प्रोडक्ट हैं, जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, यहाँ पे छोटी इलायची है, दो तीन दाना रख दीजिए। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बिग बिग क्वालिटी का भी है, इसको भी रख दीजिए। वैसे जितना ज़रूरत नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे देखिए शाही जीरा है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वांटिटी में देखिए, शाही जीरा है। उसके बाद बड़ी इलायची देखिए, तीन चार पीस दे दीजिए इसमें। उसके बाद ये कबाब चिली है दोस्तों, इसके जगह आप मरीच भी दे सकते हो, जिसे आप काली मिर्च बोलते हैं। ये देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ भी देखिए सोंठ है। सोंठ आदि का जो सुखाया हुआ रहता है, उसे सोंठ बोला जाता है। देखिए ये भी रख दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जाफर है, दो पीस जाफर रख दीजिए, जायफल। उसके बाद लौंग दीजिए सर, थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए, इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है लौंग से। ये बन रखा है हमारे पास पहले से ही, मेवा है, यहाँ भी शाही जीरा है, ये रख दिया था हमने। स्टार फूल को कैसे भूल सकते हैं, देखिए ये रहा स्टार फूल। उसके बाद ये दोस्तों, इससे आपका सुगंध के लिए है, ये इसे जयाबित्री बोलते हैं, जयाबित्री। तो ये सब था दोस्तों मेन इंग्रेडिएंट्स। देखिए इतना सारा प्रोडक्ट डाल के आप गरम मसाला बना दिए हैं जो कि बहुत ही तगड़ी है। सुगंध अभी भी मेरे पास आ रहा है दोस्तों। देखिए कितना फ्लेवर है इसमें, देख सकते हैं आप जैसा कि, बहुत ही अच्छी फ्लेवर है इसमें। तो यही था आपका रेसिपी गरम मसाला बनाने का, बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी अपने घर पे या फिर दुकान के लिए बना सकता है दोस्तों। ये 1200 रुपये किलो बिकता है हमारे यहाँ, दूर दूर से कस्टमर आते हैं दोस्तों। जो कस्टमर ले जाता है उसके पास से डिमांड बहुत ही ज़्यादा आता है। ये बहुत ही तगड़ी बिकती है दोस्तों मेरे इधर। दोस्तों इसे देख लेते हैं, जो इसे ये कितना ग्राम का हुआ है दोस्तों। वैसे तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, मैंने कुछ भी नाप तोल के नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही तगड़ी बन गई है। देखिए कितना ग्राम होगा, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 50 ग्राम में बस 4 ग्राम का फ़र्क है। देखिए 50 ग्राम, यहाँ पे आपका गरम मसाला रेडी है, जो कि 60 रुपये की गरम मसाला बन चुकी है यहाँ पे। देखिए इसमें मैं पूरा ही देता हूँ, रुकिए, इसमें पुराने के लिए ये रख देता हूँ, थोड़ा सा और दालचीनी लीजिए। हो गया आपका 60 रुपये का गरम मसाला गोटा रेडी। तो ये रेडी है, कल इसे बेच दूंगा। चलिए दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में दोस्तों। मुझे
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें दुकान वाला के साथ और भी ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे।